मुझे पिक्चर के डायलॉग बहुत अच्छे लगे, क्योंकि फिल्म का जो सब मेकिंग है और डायलॉग के ऊपर है। स्क्रीन प्ले में थोड़ा वीक लगा, लेकिन जो गेम है, एक दूसरे के ऊपर मात करते हैं, एक दूसरे को चैलेंज देते हैं, और इस माइंड गेम है, मर्डर्स है, और जो राजा महाराजा बाकी जो रेफरेंस जो दिए है, एक कमर्शियल अच्छी मूवी है। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि डायलॉग्स के लिए लोग देखेंगे। मुझे पहले वाली फिल्मों की याद आ कि एक दूसरे के ऊपर जैसे डायलॉग से मार देते हैं, माइंड गेम करते हैं, और एक्शन बहुत अच्छी है। अरे बाबा की जो इमेज है, बाबा की इमेज को इसमें सही तरह के पकड़ा है, उसको दिखाया है कि वो किस तरह की उसकी सोच है, और उसको बाबा को जो डायलॉग मिले, तो मुझे तो लगता है उसको क्लैपिंग तो हमका सहने आप 3 स्टार दूंगा 5 में से। अभी रिसेंटली जो हमने देखा है, स्टार्टिंग का जो हमने पार्ट देखा है, तो अभी तो थोड़ा सा डली है, अभी देखते हैं आगे क्या होता है। कितने स्टार देना चाहिए? अभी फिलहाल तो हम जितनी मैंने मूवी देखी है अभी, मैं मिनिमम 3 स्टार देना चाहता हूँ। बाबा का तो अभी स्टार्ट ही हुआ है, रिसेंटली स्टार्ट हुआ है बाबा का, अभी देखते हैं क्या होता है आगे कैसे करते हैं। अच्छी है, आई थिंक दी फ्रेंचाइजी है, कंटिन्यूशन है फिल्म में, जो जो स्क्रिप्ट है, आई थिंक इट्स अ वेरी वेल डायरेक्टेड फिल्म। स्टोरी वाइज अगर देखा जाए तो स्टोरी ने कितना बांध के रखा? क्या कह रहे हैं, स्टोरी ने कितना बांध के रखा, आपको कैसी लगी कहानी की अगर बात करें? कहानी देखिए, फिल्म में जो डायलॉग्स हैं, जो स्क्रिप्ट है, इट्स वेल यू नो, टिमांशु जो डायरेक्टर है, उनको उनका होल्ड बहुत अच्छा है, तो मेरे हिसाब से एवरीबॉडी, आई थिंक संजय दत्त बाबा और यू नो जिमी शेरगिल दोनों ही, एंड क्या कहते हैं आपको, आई थिंक 3.5 स्टार मिलनी चाहिए फिल्म। इट इज़ वेरी गुड, वेरी फैंटास्टिक मूवी। जिमी शेरगिल एंड माही गिल वॉज फैंटास्टिक, इवन ऑन टॉप ऑफ दैट संजय दत्त इज एक्सलेंट, बट ओवरऑल द मूवी इज, आई वुड से द फ्रेंचाइज इज वेरी गुड, दिस थर्ड पार्ट इज एक्सलेंट मूवी। In my opinion, it's 4. Thank you. Starting में मतलब थोड़ा सा निराश हो रहे थे, जैसा समझ में नहीं आ रहा था क्या चल रहा है, इतने सारे करेक्टर्स और कौन किसका, कौन से खानदान से, यही नहीं समझ में आ रहा था। बाद में इंटरवल के बाद पिक्चर ने अच्छा पिकअप पकड़ा। सबसे बेहतर तो संजय दत्त ही है, उस पर तो कोई दो राय ही नहीं है। जिमी शेरगिल भी बहुत अच्छा, उनका उनकी एक्टिंग अच्छी लगी। 2.5। हाँ, फिल्म बहुत अच्छी है, सांप बीवी और गैंगस्टर जैसा कि एक्सपेक्टेड था। मैं इसके फर्स्ट और सेकंड पार्ट को लेकर के भी बहुत, मुझे बहुत, मैं उनका फ़ैन हूँ, और माही गिल को मुझे लगता है कि बहुत फिल्में करनी चाहिए, मैं उसको बहुत मिस करता हूँ। संजय दत्त और चित्रंग दा, वाह, संजू बाबा इज़ बैक, आप कह सकते हैं कि बहुत अच्छा काम है उनका, उनका और चित्रंग दा की जो केमिस्ट्री है वो भी बहुत अच्छी तरीके से बताइए। बिल्कुल, तिग्मांशु धुलिया ने जो एक टोन पकड़ के रखा है इस फिल्म के साथ, मुझे लगता है वो बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छा डायरेक्ट करते हैं, और उनको इसका जो चौथा भाग है वो भी बनाना चाहिए। मैं इस फिल्म को 3 स्टार दूंगा, और हैट्स ऑफ के बहुत अच्छे से, फर्स्ट हाफ थोड़ा सा कमज़ोर लगता है, लेकिन जो सेकेंड हाफ है वो बहुत अमेजिंग है। फिल्म, मैं इस जॉनर को बहुत पसंद करता हूँ, साहिब बीबी और गैंगस्टर को, तो मुझे उस जॉनर के हिसाब से ये अच्छी लगी। अदाकारी देखिए, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि मैं बाबा की एक्टिंग देखने आया था, भूमि के बाद वो इस फिल्म में कमबैक कर रहे हैं फिर एक बार, लेकिन मुझे माही गिल और जिमी शेरगिल ये दोनों बहुत अच्छे लगे हैं, संजय दत्त इंटरवल के बाद अच्छे लगते हैं। स्टार मैं देना चाहूँगा इस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए 3 स्टार, और जो इस साहेब बीबी गैंगस्टर को पसंद नहीं करते हैं उन लोगों के लिए 2.5 स्टार। अगर तीनों सीरीज की बात करें तो सेकंड अच्छी थी, ये भी देखने लगे वन टाइम। देखिए, डायरेक्ट अगर संजय दत्त की बात करें तो भूमि के बाद में संजय दत्त की ये सेकंड फिल्म है, लेकिन यहाँ पे क्या गैंगस्टर की भूमिका होने वाले हैं, कहीं ना कहीं भटक गए, क्योंकि उनका जो किरदार है वो गैंगस्टर का था, अच्छी इमेज बनाने के चक्कर में गैंगस्टर नहीं रहे बन पाए वो। 5 में से 3। फिल्म बहुत ही अच्छी है, फिल्म मुझे काफ़ी पसंद आई है, फिल्म की जो एक्टिंग है संजू बाबा ने, ऑसम। बाकी कलाकार की बात करिए तो सबसे बेहतरीन आपको किसकी परफॉर्मेंस?
मुझे जिमी शेरगिल की परफॉर्मेंस, उनकी जो वाइफ प्ले करती है वो काफ़ी मेरे को हाँ वो शानदार है, किस तरह से पॉलिटिक्स करती है और सब, अरे पूरा मज़ा आ जाता, आपको मज़ा आ जाएगी। पाँच मेले 3 स्टार, पूरा एंटरटेनमेंट है, पॉलिटिक्स थोड़ा जो जानते हैं वो। थैंक यू। काबू कैसे पता ये वाली बात? आई डोंट नो, आई मीन इट्स जस्ट दैट एवरीबडी इज़ वेरी गुड इन द फिल्म एंड मैंने अभी फर्स्ट हाफ तक देखी है फिल्म एंड एवरीबडी इज़ रियली वर्क हार्ड और सबके डायलॉग बाजी कमाल है फिल्म की एंड आई एम लविंग द फिल्म। अभी मैंने फर्स्ट हाफ देखी, सेकेंड हाफ देखूंगी, फिर बाहर निकल के आपको जेन्युइन रिव्यू दूंगी मैं खुद अपनी फिल्म का। अभी आई डोंट नो अबाउट माय फ्रेंड्स, जो बाहर निकले हैं पॉपकॉर्न लेने के लिए उन्होंने बोला कि बहुत मज़ा आया है, सो लेट्स सी। थैंक यू भाई।